ईशा मालविया की लाइफ को उनके पहले ही शो उडारिया ने खूब ऊंचाई तक पहुंचाए। सरगुन मेहता के इस शो से ना सिर्फ ईशा को नाम मिला बल्कि वो कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं ये भी जनता ने जाना। इस शो से ईशा को इतनी शोहरत मिली, इतनी पॉपुलैरिटी और प्यार मिला कि मेकर्स ने अब ईशा को अपने नए शो मुकम्मल में भी लीड रोल के लिए चुन लिया है। लेकिन कैसे ईशा की किस्मत ने अचानक पलटी मारी थी और कैसे उन्हें इतना बड़ा शो उडारिया मिला था, तो आज पर्दे के पीछे की इस अनसुनी कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। बता दें कि ईशा का जन्म 2023 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं से पूरी की। वैसे तो बचपन में ईशा पायलट बनना चाहती थी, लेकिन डांस के प्रति भी ईशा का लगाव हमेशा से ही खूब रहा। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में डांस के साथ साथ मॉडलिंग में कदम रखा और कई ब्यूटी पेजेंट्स जैसे मिस मध्य प्रदेश, शान ऑफ मध्य प्रदेश, मिस LNCT ओपन कॉम्पिटिशन, मिस टीन आइकन इंडिया भोपाल और मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट किया, जिसमें वो कई कॉम्पिटिशन में आखिरी राउंड तक भी पहुंची। इसके अलावा ईशा अच्छी डांसर होने के नाते कई डांस रियलिटी शो जैसे पत्रिका डांस के सुपरस्टार और बूगी वूगी में भी पार्टिसिपेट करती नजर आई थी। उन्होंने कई इवेंट्स भी होस्ट किए। वहीं वो एक सोशल मीडिया स्टार भी रही हैं। टिकटॉक पर वो अक्सर अपने डांस वीडियोस शेयर किया करती थीं, जहां से उनके लाखों फॉलोअर्स हुए और इसके बाद उनके इंस्टा पर भी हजारों फॉलोअर्स बढ़ गए थे, जहां वो कई मेकअप ब्रांड्स को प्रमोट करती भी नजर आती थी। जब सोशल मीडिया पर ईशा खूब धमाल मचा रही थी और उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी, उभर रही थी, उसी दरमियान सरगुन और रवि अपने पहले शो उडारे की स्टारकास्ट पर काम कर रहे थे। सरगुन ने सोशल मीडिया पर ईशा की रील्स देखी, जिसके बाद उन्होंने ईशा से ऑडिशन देने के लिए संपर्क किया। इस बारे में खुद टाइम्स ऑफ इंडिया को ईशा ने इंटरव्यू में बताया था। ईशा ने कहा था, सरगुन मैम ने मुझसे इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क किया। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर देखा और मुझे मॉक टेस्ट के लिए चंडीगढ़ आने के लिए कहा। जब मैं यहाँ आई तो मैं अपने हर तरफ बड़े बड़े सेट और कैमरा देखकर काफी हैरान हो गई। ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। ईशा ने यह भी बताया कि सरगुन के कॉल के बाद जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें सावधान रहने को कहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई फ्रॉड कॉल हो सकती है, जिसके बाद उन्होंने काफी पूछताछ की थी। तब जाकर उन्हें पता चला कि वाकई उन्हें सरगुन मेहता की तरफ से ये कॉल आया है। और इस तरह से मॉक शूट देने के बाद ईशा सिलेक्ट हुई और उन्हें उडारिया जैसा दमदार और बड़ा शो मिला। वेल, इस शो में उनकी एक्टिंग को इतना पसंद किया गया कि मेकर्स ने ईशा को कैमियो रोल में अब दोबारा बुलाया है। वहीं अपने शो मुकम्मल में भी उन्हें लीड रोल के लिए चुना है। वेल, कभी सोशल मीडिया पर अपनी डांस वीडियोस पोस्ट करने वाली एक साधारण लड़की ईशा को ये अंदाजा तक नहीं था कि उनकी जिंदगी किस तरह से पलटने वाली है और आज ईशा TV की बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है।